भारत में लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कई शादियां होने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। लेकिन जिस शादी की खबर आ रही है उसने मध्य प्रदेश के दो जिलों में भूचाल मचा दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई एक शादी की दुल्हन की कोरोना रिपोर्ट 3 दिन बाद पॉजिटिव आई, जिसके बाद दूल्हा सहित शादी में शामिल हुए 32 लोगों को फौरन होम क्वारंटीन कर दिया गया है और दुल्हन रेड जोन भोपाल से शादी कर ग्रीन जोन रायसेन के मंडी दीप गई थी, इसलिए रायसेन में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्वारंटीन किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वो और कितने लोगों के संपर्क में आए थे। ऐसे में कोरोना चेन बनने का बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है। मामला राजधानी भोपाल के जाटखेड़ी का है। यहाँ रहने वाली युवती की सोमवार को शादी हुई थी और बारात राजधानी से लगे रायसेन जिले के मंडीदीप में आई थी। शादी से 7 दिन पहले ही युवती को बुखार आया था, जो दवा लेने के बाद उतर गया था। हालांकि परिवार ने एहतियात बरतते हुए शनिवार को उसका सैंपल जांच के लिए भेज दिए थे, लेकिन इस बीच तय तारीख सोमवार को युवती की शादी हो गई। उसके तीसरे दिन बुधवार को रिपोर्ट आई तो कोरोना पॉजिटिव निकली। बहू को कोरोना होने की खबर लगते ही घर और बाहर दोनों तरफ हड़कंप मच गया, जिसके बाद अब प्रशासन ने सभी को क्वारंटीन कर दिया है। न्यूज डेस्क।